अभागी का स्वर्ग, कब पिछला भाग जो खत्म हुआ था, इस रूप के समीप वह अपने को बहुत ही छोटा समझती थी। चलिए सुनते हैं आगे का भाग। बसंत के प्रारंभ में इस इमेदिन गांव में प्रतिवर्ष अत्यंत समारोह सहित गुड़दौड़ होती है। आज उसी उपलक्ष में गांव के बाहर से बहुत लोगों का समागम हुआ है। माशोई धीरे धीरे वाचन के पीछे आकर खड़ी हो गई। वो एकाग्रचित से तस्वीर बना रहा था, इसी से उसका पद शब्द नहीं सुन सका। माशोई ने कहा, मैं आई हूँ, घूम कर देखो। वात्या ने चकित हो घूम कर देखा, विस्मित होकर जिज्ञासा की, अकस्मात ऐसी साज सज्जा किस लिए? वाह, तुम्हें शायद मालूम ही नहीं है, आज हम लोगों की घुड़दौड़ है। जो विजय होगा वही आज मुझे माला पहनाएगा। कहा, सो तो सुना ही नहीं, कहकर वातिन अपने तुलिका को पुनः उठाने जा रहा था। माशोई उसके कंठ से लिपटते हुए बोले, नहीं सुना? नहीं नहीं, परंतु तुम उठो, और कितने देर करोगे? ये दोनों प्राय समवयस्क हैं, हो तो वातिन 2-4 महीने बड़ा हो सकता है, परंतु बचपन से इसी प्रकार उन्होंने ये 19 वर्ष काट दिए हैं। खेल किया है, विवाद किया है, मारपीट की है और प्यार किया है। सामने के बड़े शीशे में दो मुख उसी समय प्रस्फुटित दो गुलाब के फूलों की भांति खिल उठे। वातिन ने दिखाते हुए कहा, यह देखो। माशोई कुछ देर तक चुपचाप इन दोनों चेहरों की ओर अतृप्त नेत्रों से देखती रही। अचानक आज पहली बार उसके मन को लगा, वह भी बहुत सुंदर है। आवेश में उसके दोनों नेत्र मूंद आए। धीरे धीरे बोली, मैं जैसे चांद का कलंक हूं। वातिन और भी पास उसके मुंह को खींचता हुआ बोला, नहीं, तुम चांद का कलंक नहीं हो, किसी का कलंक नहीं हो, तुम चांद की चांदनी हो। एक बार अच्छी तरह देखो तो सही। परंतु आंखें खोलने का माशोई को साहस नहीं हुआ, वह उसी भांति दोनों आंखों को बंद किए रही। शायद इसी तरह बहुत समय बीत जाता, परंतु एक बड़ा नर नारियों का झुंड नाचता गाता सामने की सड़क पर होकर उत्सव में योग देने चला जा रहा था। माशोई व्यस्त होकर उठ खड़ी हुई, कहा, चलो समय हो गया, परंतु मेरा जाना तो एकदम असंभव है माशोए। क्यों? इस तस्वीर को 5 दिन के भीतर तैयार करके देना है, न देने पर वो मंडाले चला जाएगा, तब तस्वीर भी नहीं लेगा, रुपए भी नहीं देगा। रुपए की चर्चा से माशोए को कष्ट पहुंचता था, लज्जा अनुभव होती थी। रुष्ट होकर बोले, किंतु इसलिए ही तो तुम्हें इस तरह जीत तोड़ परिश्रम नहीं करने दे सकती। वात्या ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। पिता की ऋण को स्मरण कर उसके मुंह पर उदासी आ गई और वह एक व्यक्ति की दृष्टि से छिपी नहीं रह सकी। कहा, मुझे बेच देना, मैं दुने दाम दूंगी। वाथिन को इसमें संदेह नहीं था, हंसते हुए पूछा, परंतु इसका करोगी क्या? माशोई गले का बहुमूल्य हार दिखाती हुई बोली, इसमें जितने भी मोती हैं, जितने भी पन्ने हैं, सबसे इस तस्वीर को सजा कर तदुपरांत शयन ग्रह में अपनी आंखों के ऊपर टांग कर रखूंगी। उसके बाद जिस दिन रात में बहुत बड़ा चांद निकलेगा और खुली हुई खिड़की के भीतर से उसके चांदनी का प्रकाश तुम्हारे सोए हुए मुंह के ऊपर खेल करेगा, उसके बाद तुम्हारी नींद तोड़कर बात समाप्त नहीं हो पाई। नीचे माशोई की बैलगाड़ी प्रतीक्षा कर रही थी, उसके गाड़ीवान की उच्च कंठ से पुकार सुनाई दी। वाथिन व्यस्त होकर बोला, उसके बाद की कथा फिर सुनूंगा, परंतु अभी नहीं, तुम्हारा समय हो गया, जल्दी जाओ। परंतु समय निकल जाने का कोई लक्षण माशोई के आचरण में नहीं दिखाई दिया। कारण उसने और भी अच्छी तरह बैठते हुए कहा, मेरा शरीर अस्वस्थ जान पड़ता है, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगे? वचन जो दिया है सब लोग गर्दन उठाए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये जानती हो? माशोई ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा,
भले ही करें, वचन भंग की ऐसी लज्जा मुझे नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। छी, तब तुम भी चलो, हो सकता तो अवश्य चलता, परंतु मैं अपने कारण से तुम्हें सत्य भंग नहीं करने दूंगा। और देर मत करो, जाओ। उसके गंभीर मुख और शांत दृढ़ कंठ स्वर को सुनकर माशोए उठकर खड़ी हो गई। अभिमान से मुंह को मलान करती हुई बोली, तुम अपनी सुविधा के लिए मुझे दूर करना चाहते हो, परंतु अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। एक क्षण के लिए वातिन की कर्तव्य की दृढ़ता स्नेह की छल से गल गई। उसने उसे पास खींचते हुए मुस्कुरा कर कहा, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मत कर बेटो माशोए, मैं जानता हूं इसका अंत क्या होगा, परंतु अब और विलंब करने से काम नहीं चलेगा। माशोए ने वैसे ही विष्ण मुख से उत्तर दिया, मेरे न आने पर खाने पहनने से लेकर सभी बातों में तुम्हारी जो दशा होगी उसे मैं सह नहीं सकूंगी, ये जानकर ही तुम मुझे खदेड़ पा रहे हो। यह कहकर वह प्रत्युत्तर की अपेक्षा किए बिना ही द्रुत पद से कमरे से बाहर निकल गई। तो यह था पिछला भाग।